उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के तहसील बिसवा के नगर बिसवा में बनी मान्यवर कांसीराम कॉलोनी में 150 परिवार निवास करते हैं। यहाँ पर नगर पालिका परिषद बिसवा के द्वारा नियमित साफ सफाई न कराए जाने से नालियाँ कूड़े से पटी पड़ी थी, जिससे पानी निकलने में असुविधा होती थी। यही नहीं, समुदाय के घरों में बने शौचालय का पानी न निकलने से शौचालय ऊपर तक भर जाते थे। इन नालियों में पड़े कीड़े समुदाय के घरों में घुस जाते थे, जिससे समुदाय को काफ़ी परेशानियां होती थी। अपने समुदाय की समस्या पर मैंने एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद मीटिंग रूम स्क्रीनिंग करते हुए समुदाय के साथ मिलकर अधिकारियों के यहाँ सतत इसकी पैरवी शुरू की। कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, यहाँ तक धरना प्रदर्शन भी किया गया, तब जाकर इस आवासीय परिसर की नियमित साफ सफाई शुरू हुई। इस पर कांसीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले नाली सब भरी रहती थी और जो है पानी सब ऊपर आता था, टेंगों में जाता था और सड़ता था पानी उसमें, और उसकी वजह से जो है हम लोग डंडा डाल के पानी साफ करते थे, बहुत सफाई करते थे। फिर आप आए, फिर आपसे कहा गया, फिर कितनी बार वहाँ गए नगर पालिका, सब जगह गए, फिर आपने इधर सब जगह फ़ोन ओन मिलाया और फिर उसके बाद जो है आपकी वजह से सफाई होने लगी। फ़ायदा कि आप कीड़े नहीं आते हैं घरों में और पानी भी नहीं भरा रहता है। आपने वीडियो बनाया था, दिखाया था, फिर जो है हर जगह गए आप, उसके वजह से फिर सुनवाई हुई। नाली बहुत भरी रहती थी, कूड़ा जगह जगह पे रखा रहता था। फिर कई लोग आए थे, वीडियो बना के दिया था, तब नाली तो साफ़ होने लगी है। टंकी में पानी भरा रहता था, अब वो नाली आगे से सब साफ़ हो रही हैं, तब पानी तो निखर रहा है तहसील में। फिर क्या हुआ? फिर सब लोग गए थे तो कहीं तुम्हारी सुनवाई होगी, जाओ सफाई होगी। फिर नहीं सुनवाई हुई, फिर सब लोग गए 10-12 लोग, फिर कहीं जाओ तो कहे, फिर तिबारा में सुनवाई हुई थी। तो अब नाली वाली तो साफ़ हो रही हैं। वैसे तो जगह जगह पे कूड़ा रहता था, नाली ऊपर से भरी रहती थी, कीड़े घर में आते थे, टैंक में पानी भरा रहता था, यही सब रहे। अब तो नहीं हो रहा, सफाई तो हो रही है। समस्या पहले थी कि नालियाँ भरी रहती थी और गंदगी रहती थी, बदबू आती थी और पानी भी भरा रहता था, कीड़े मकोड़े रहते थे। और जब से साफ सफाई अब रहने लगी है, अब बदबू भी नहीं आती, दुर्गंध और साफ सफाई रहती है और पानी भी निकल जाता है नालियों से। इस प्रकार हमारे समुदाय और अधिकारियों के सहयोग से कांसीराम कॉलोनी का नियमित साफ सफाई शुरू हुआ। मैं हरिशंकर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से, इंडिया नाट के लिए।